कोरोना वायरस के कारण बिहार में लागू हो सकता है ESMA। सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। कोरोना महामारी के बीच सरकार व्यवस्था न चरमराए, इसके लिए राज्य सरकार अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून ESMA लगाने पर विचार कर रही है। इस कानून के लागू होने के बाद सरकार को हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर ना जाए, इसे देखते हुए ESMA कानून लागू करने का विचार किया जा रहा है। गृह विभाग द्वारा ESMA लागू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेगी। बिहार में सरकारी डॉक्टर कई दफे हड़ताल पर जा चुके हैं। एम्बुलेंस चालकों का संघ भी हड़ताल पर जाता रहा है। विश्व भर में फैले कोरोना को रोकने के लिए भारत में भी कई कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने भी भीड़भाड़ को रोकने और स्वास्थ्य व्यवस्था चौबंद बनाए रखने के लिए कई प्रबंध किए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने पर स्थिति भयावह हो जाती है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ESMA कानून लगाने पर विचार कर रही है। ESMA कानून संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था। हड़ताल को रोकने के लिए यह कानून लगाया जाता है। ESMA लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को समाचार पत्र या अन्य माध्यमों से सूचित किया जाता है। यह कानून अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। इसके लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय है। कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।